नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 10वीं की परीक्षा को पहले ही रद्द किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि हाई स्कूल और 11वीं में मिले अंकों के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बोर्ड के 100 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 12वीं की परीक्षा को रद्द किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ 30 मिनट चली बैठक में यह फैसला लिया। गौरतलब है कि CBSE और ICSE बोर्ड के अलावा गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारें पहले ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर चुकी हैं। डिप्टी सीएम ने दिनेश शर्मा से कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने में कुछ समय लग सकता है। इस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। आज हमने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इस साल 12वीं की परीक्षाओं के लिए 26,09,501 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 22 मई को बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने प्रदेश के सभी स्कूलों से छात्रों के 12वीं के प्री पोर्ट मार्क्स और 11वीं की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के मार्क्स मांगे थे। तभी इसी बात की संभावना जताई जा रही थी कि यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी बाकी बोर्डों की तर्ज पर रद्द कर दी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।